बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कहाँ से पढ़ना है? अहवाले मुस्नद ये पढ़ा नहीं गया था क्या? अच्छा, ये मतलब इसके असबाब नहीं बयान किए गए थे। ठीक है, देखें, हर एक मिसाल में सबब जो है हाशिए में आसानी के साथ दिए गए हैं, उसको पढ़ करके आप समझ सकते हैं। फिर भी मैं इशारा कर देता हूँ। एक तो हस्व मुस्नद की वजह वही है जो पीछे गुजरी, कि आबस से बचना मकसूद होता है। जैसे अल्लाह, ये शायर का एक शेर बयान किया, व इन्नी वक़यार बिहा लग़रीब। यहाँ पे जो है वज़न शेर की बुनियाद पर मुस्नद को हस्व कर दिया गया है, कि अगर वहाँ पे एक तो ज़िक्र अबस लाजिम आता और दूसरा ये कि वज़न शेर क्या हो जाता, गिर जाता, कि यहाँ पे व इन्नी वक़यार बिहाल ग़रीब में अगर दो गरीब का जिक्र होता, इन्नी ग़रीब वक़यार बिहाल ग़रीब यूँ कहते, तो वज़न शेर में क्या हो जाता, सुकूत आ जाता। वज़न शेर समझते हैं ना जी, चमक चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, तुझ की जगह कोई आप लगा दे, क्या लगा दे, तो वज़न शेर गिर जाएगा। इसकी तफसील है काफ़ी, वज़न शेर गिरने का क्या मतलब होता है। तो इन्नी वक़यार बिहाल ग़रीब में एक गरीब को जो हस्ब किया गया है, किस लिए, ज़िक्र अबस से बचने के लिए, और नंबर दो वज़न शेर की हिफाजत के लिए। अच्छा, नीचे हाशिया देख लीजिए, मैं हाशिया से आपको बता देता हूँ ताकि ध्यान में रहे, जल्दी जल्दी निकल बताना चाह रहा हूँ मैं। दूसरी मिसाल है, नहनु बिमा इंदना व अंत बिमा इंदका राज़िन, है ना, नहनु बिमा इंदना व अंत बिमा इंदका राज़िन। हम भी अपने पास मौजूद चीज़ों से और तुम भी अपने पास मौजूद चीज़ों से क्या हो, राज़ी हो, और राय दोनों की क्या है, मुख्तलिफ़ है। यहाँ पे पहली मिसाल जो नहनु बिमा इंदका इंदना है, कि हम हमारे पास जो चीज़ है उससे राज़ी हैं, राजून जमा मुतकल जमा का सेगा, इसमें फ़ाइल जमा का सेगा वो महजूफ़ है। किस वजह से, आगे एक ही राज़िन का लफ्ज़ है, इन नहनु बिमा इंदना वानता बिमा इंदका राज़िन, एक राजून को यहाँ क्या कर दिया गया, हज़फ कर दिया गया है। तो इसके हज़फ करने की वजह यहाँ पे ज़ैक़े मकाम है, क्या है, तंगी मकाम के सबब जो है, मकाम की तंगी के सबब जो है, यहाँ पर मुसनद को क्या कर दिया गया, हज़फ कर दिया गया। उसके बाद मिसाल देखिए, वक़ौल का ज़ैदुन मुंतलिकुन व अमरुन, ज़ैदुन मुंतलिकुन इख्तिसार की वजह से यहाँ हज़फ किया गया, किसके लिए, यानी यूँ कहते ज़ैदुन मुंतलिकुन व अमरुन मुंतलिकुन, उर्दू जान तो मैंने और अमर ने खा लिया, मैंने भी खा लिया और अमर ने भी, क्या बोलते हैं, और अमर ने भी, मतलब अमर ने भी खा लिया, उर्दू ज़बान में इस तरह इस्तेमाल करते हैं इख्तिसार की वजह से। उसके बाद है खरजतु फ़ैदन ज़ैदुन, मौजूदुन को यहाँ क्या कर दिया गया, यहाँ पर भी मुराद जो है तंगी मकाम है, जल्दी से आदमी बात बताना चाहता है, कैसे बताना चाहता है, मुफाजात है ना ये, अचानक बात बताना चाहता है, तो इसलिए जो है हज़फ़ कर दिया गया। ऐसे ही इन्ना महिलन व इन्ना मुर्तहलन, इसका मुसनद जो है लना फिद दुनिया व लना अनहा, यानी इन्ना अरफ मशबा बिलफेल महिलन, उसका इस्म मुसनद ले है, और लना फिद दुनिया और लना अनहा, यानी अनित दुनिया, लना अनहा, फिद दुनिया का माना होगा कि दुनिया में हमें रहना भी है और दुनिया से हमें जाना भी है, मुर्तहल का माना कूच करना है, और महिलन इन्हें ठहरना है, रहना है, दुनिया में हमें रहना भी है और दुनिया से हमें कूच भी करना है। तो इन्ना लना फिद दुनिया व इन्ना लना अनहा, ये जो मुसनद है यहाँ पे क्या कर दिया गया, हज़फ़ कर दिया गया। क्यों हज़फ़ कर दिया गया है, तो यहाँ पे है ले इत्तबाइल इस्तेमालिल वारिदी अला तलकी तरकी नज़ाइरी लअन्नहु अत्तरिदु हस्बिल खबर मा तकरार, इबारत दी गई इन्ना मालम व इन्ना वलदा। इस मिसाल को कि इन्ना महिलन व इन्ना मुर्तहलन, किसी और मिसाल में जहाँ किसी ख़ास सबब से मुसनद को हज़फ़ किया गया, उस मिसाल पर महमूल करने की वजह से हमल अलन नज़ाइर, इसको बोलते हैं कायदे की ज़बान में, क्या बोलते हैं, एक चीज़ को किसी दूसरे चीज़ पर क्या कर देना, महमूल कर देना। तो वहाँ तो उसके हस्फ़ की वजह मालूम हो, लेकिन यहाँ उसके हस्फ़ की वजह मालूम, सिर्फ दोनों एक जैसी मिसाल थी, तो जैसे वहाँ उसके नज़ीर में हज़फ़ कर दिया गया था, ऐसे यहाँ पर भी क्या कर दिया गया, हज़फ़ कर दिया गया था। ये मिसाल महमूल है इन्ना मालम व इन्ना वलदा पर, किस पर, माना होगा हमारे पास औलाद भी और हमारे पास इन्ना लना मालम व इन्ना लना
वलदा, तो लना यहाँ पर क्या कर दिया गया है, हज़फ़ कर दिया गया है। इसी पर महमूल करते हुए इन्ना महिलन व इन्ना मुर्तहलन में इन्ना लना को क्या कर दिया गया है, हज़फ़ कर दिया गया है। अच्छा, उसके बाद कुल लौ अंतुम तमलिकून खज़ाइन रहमत रब्बी, यहाँ मुफस्सिर के पाए जाने की वजह से मुफस्सर को क्या कर दिया गया, असल इबारत थी कुल लौ तमलिकून तमलिकून खज़ाइन रहमत रब्बी, अगर तुम मालिक हो तो मालिक हो जाओ अपने रहमत के ख़जाने के, अपने रब की रहमत के ख़जानों के। ये काफिरों से मुखातब होकर कहा गया था, जो कहते थे कि वही क्यों नबी बना मुझे, हमारे कबीले में लोगों को नबी क्यों नहीं बनाया गया, इस तरह की बातें कहते थे। तो कहा गया कि लौ अंतुम तमलिकून, असल इबारत थी लौ कुंतुम तमलिकून, अगर तुम मालिक हो तो तमलिकून खजाइन रहमत रब्बी, अपने मेरे रब की रहमत के ख़जाने के क्या हो जाओ, मालिक हो जाओ। तो पहले तमलिकून की तफसीर दूसरा वाला तमलिकून कर रहा था, तो मुफस्सिर के होते हुए मुफस्सिर को क्या कर दिया गया, हज़फ कर दिया गया। आगे फसबरुन जमील, फसबरुन इसकी दो सूरत है, या तो इसका मुस्नद महजूफ है या मुस्नद अलैह महजूफ है, इसलिए आगे कहा है कि यह तमिलुल अमरैन, यह तमिलुल माना अमरी सबरुन जमील, मेरा मामला क्या है, सबरे जमील है, या सबरे जमील मेरा मामला है। तो ये दोनों सूरतों की मिसाल बन सकती है, हस्फ़े मुस्नद की भी और हस्फ़े मुस्नद इलेह की भी। यहाँ पे तकसीर फ़ायदा के तहत, किसके तहत, तकसीर फ़ायदा, यानी फ़ायदे में ज़्यादती करना मकसूद है, इसलिए अमरी मुस्नद इलेह को जिक्र नहीं किया, बल्कि सबरुन जमील मुतलकन रखा कि सबरे जमील है, सब के लिए होना चाहिए ये सबरे जमील, सब का मामला क्या होना चाहिए। अगर वो अमरी सबरुन जमील कह देता तो सबरे जमील का मामला किसके साथ खास हो जाता है, सिर्फ उसी के साथ खास हो गया। इसलिए उस मौत के वक्त या इस तरह मुसीबत के वक्त सिर्फ क्या कहते हैं, सबरुन जमील, मुतकल्लिम कहता है सबरुन जमील, मुराद ये है कि अब जो है मैं या जो जिन पर भी ये मुसीबत पहुंची हो उनको क्या करना चाहिए, सब्र करना चाहिए। अमरी सबरुन जमील के बजाय सिर्फ क्या कहते हैं, फसबरुन जमील। यूँ तो तकसीर फ़ायदा के तहत यहाँ पे मुस्नद को क्या किया गया है, हस्व किया गया है। उसके बाद क्या मिसाल है, वही अब हाँ वाला इंसान तो मन खलक समात वलअर्दा लयकूलुन्नल्लाह, यहाँ जो है सवाल मुहक्कक का जवाब होना, ये करीना है हस्व मुस्नद पर, यहीं से हमारा सबक भी शुरू होगा। देखें कभी कभी क्या होता है, मुस्नद इलैह को ऐसे इसलिए अज़ब कर दिया था कि सवाल वहाँ करना होता है कि यहाँ पे मुस्नद मौजूद महजूफ क्या है। जैसे किसी ने कहा कि किसने खाया, आपने कहा जैद, जैद ने, क्या कहा, मतलब जैद ने खाया, किसने मारा, आपने कहा जैद ने। तो सवाल जो है करना बता रहा है कि सवाल खाने के बारे में हुआ, तो जैद के बाद जो मुस्नद महजूफ है वो कौन सा महजूफ है, ऐसा नहीं कि सवाल हुआ किसने खाया और मैंने कहा जैद तो आप समझोगे जैद ने पढ़ा, ये तो नहीं समझोगे ना, आप समझोगे कि जवाब जो खाने के बारे में सवाल हुआ था तो जवाब भी किसके बारे में दिया गया है, तो जवाब ही सवाल ही जो है जवाब के हस पर मुस्नद इलैह के हस पर क्या हो रहा है परिना। लेकिन ये सवाल दो तरीके का होता है, एक सवाल मुहक्कक और एक सवाल मुकद्दर। क्या मुहक्कक ये कि लफ्ज़ों में मौजूद हो सवालिया जुमला, सवालिया जुमला लफ्ज़ों में क्या हो, और मुकद्दर का मतलब ये कि वो जुमला इस तरीके से बोला जाए कि उसमें सवाल पैदा हो जाए। जैसे हम लोग कुछ बोलते हैं तो बोलते हैं इसमें तो ये सवाल पैदा होता है, उससे पहले जो जुमला है उसमें सवालिया नहीं बोलते हैं, लेकिन आगे क्या बोलते हैं, हम इसमें एक सवाल पैदा होता है, मतलब वो जुमला इस तरीके के इस अंदाज में बोला जाता है कि अपने आप उसमें क्या पैदा होने लगता है, सवाल पैदा, उसको सवाल मुकद्दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सवाल मुकद्दर बोलते हैं। तो सवाल मुहक्कक जो है ये करीना होता है मुस्नद के हस पर, जैसे कुरान पाक में फरमाया गया वाला इंसान तो मन खलक समावत वल अर्द लयकूलुन्नल्लाह, अगर तुम काफिरों से पूछो कि कौन है जिसने ज़मीन व आसमान को पैदा किया तो कहेंगे अल्लाह, मुराद अल्लाह ने, अल्लाह खलक समावत वल अर्द, खलक फेल को जो मुस्नद है उसको क्या कर दिया गया यहाँ पर, हज़फ कर। यहाँ पर सवाल बिल्कुल ज़ाहिर है, अगर तुम पूछो मन खलक समावत, मन सवाल मुहक्कक है, क्या है, और सवाल मुकद्दर की मिसाल, किसकी मिसाल, औ मुकद्दरिन, या सवाल सवाल मुकद्दर हो, जैसे लियुब का यजीद दारिउन लिखुसूमतिन व मुख्तबितुम मिम्मा तुतीहु तवाइह, इबारत नहीं दी गई क्या, ये हैं व मुख्तबितुम मिम्मा तुतीहु तवाइह, काफिया में इबारत दी गई है, लियुब का यजीद, हाँ शर जामी में, लियुब का यजीद दारिउन लिखुसूमतिन, अगर लियुब का को मजहूल पढ़े, क्या पढ़े,
तो यहाँ पे सवाल मुकद्दर बनेगा, माना होगा ली उब का यजीद, यजीद रोया जाए, यजीद पर रोया जाए, चाहिए कि यजीद पर रोया जाए, तो एतराज़ हुआ कि रोया तो जाए लेकिन रोएगा कौन, रोएगा लियुब का यजीदुन, ये इसमें सवाल मुकद्दर है, सवाल क्या है, यजीद पर रोना चाहिए, यजीद पर रोना चाहिए, तो सवाल हुआ कि कौन लोग रहेंगे यजीद पर, आगे हुआ दारिउन लिखुसूमतिन, यानी यबकी दारिउन, रोए कौन आदमी, दारिउन लिखुसूमतिन, दारे यानी परेशान है लिखुसूमतिन, झगड़े की वजह से, और मुख्तबितुम मिम्मा तुतीहु तवाइह, और वो परेशान आदमी जिसको मुसीबतों ने पीस डाला हो, यानी मुसीबतों से परेशान हाल आदमी, और जो मंगता इधर उधर जा जा के भीख मांग के खा पी रहा है, ऐसे शख्सों को चाहिए कि यजीद बिन नाशल नामी शख्स के मौत पर क्या करे, रोए, क्योंकि यजीद बिन नाशल ऐसे लोगों की क्या करता था, मदद करता था, वो मरकर चला गया, तो ऐसे लोगों को क्या होना चाहिए, रोना चाहिए। इस शेर का ये मफहूम है, मैं ज़्यादा तफसील में नहीं जा रहा हूँ, वक्त निकल जाता है। तो यहाँ पे लियुब का मजहूल जब हम पढ़े, क्या पढ़े, लियुब का यजीदु, तो यजीदु नायबे फाइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माना यहाँ पर बात हो जाएगी पूरी, यजीद पर रोया जाए, तो कहा मैं अब की रोया तो जाए लेकिन ये सवाल मुकद्दर है जो इबारत में मौजूद नहीं है। आगे कहा ज़ारिउन, ज़ारिउन फाइल वाक़े यबकी फेले महजूफ मुसनद का, यहाँ यबकी फेले महजूफ क्या है, यबकि फेले महजूब मुसनद को क्या कर दिया गया, हजब कर दिया गया, किस वजह से, सवाल मुकद्दर की वजह से। अब आगे कहते हैं फ़ज़लुहु अला खिलाफ़ी बितकरार इस्नाद इजमालन सुम्मा तफसीलन व बिवकू नहवे यजीद 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 गैर फ़ज़लतिन व बिकौन मारिफ़त अलफ़ाइल का हुसूल नियामत गैर मुतरक़्क़िबत लिअन्ना अव्वल कलाम गैर मुतमईन फ़ी ज़िक्रिही। यहाँ से सिर्फ इतनी सी वजह है कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि यजीद को मफूल भी बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, और युबका को लेयबकी कह देना चाहिए, बना दिया जाए, क्या बना दिया जाए, माना होगा लेयबका लेयबकी 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 चाहिए कि रोए यजीदा यजीद पर कौन, ज़ारिउन लिखुसुमतिन, तो फेल भी है और फाइल भी है, कोई महजूफ है क्या, ज़ारिउन लिखुसुमतिन को हम क्या बना दें, फाइल किसका, लेयबकी बका यबकी आता ना, लेयबकी काफ जो है या गिर जाएगा लामे जाज़मा और लामे कै की वजह से, लेयबकी में लाम क्या है, लामे अम्र, माफ कीजिए, लाम लाम क्या है, लामे अम्र, गायब में लामे अम्र आता है ना, हाजिर किस्से को साथ बताता, तो लेयबकी बना दिया जाए और यजीदू को क्या बना दिया जाए, मफूल भी, यानी यजीदा क्या पढ़ा जाए उसको, यजीदा, और दारिउन को किसका, तो यहाँ कोई हस बस भी कोई बात नहीं, सवाल मुकद्दर फुकद्दर कोई बात यहाँ नहीं होगी, समझ बात आई, तो कहा कि नहीं, सवाल मुकद्दर मानना और यजीदू को नायब फाइल बनाना लियुब का फेले मजहूल का, ये ज्यादा फजीलत वाली चीज है, क्या है, वफ़ज़लुहु अला खिलाफ़िही, और इसके खिलाफ पर इसको फजीलत हासिल है, खिलाफ पर यानी बहुत शॉर्ट है, काफिया की तरफ बहुत शॉर्ट है किताब, इख्तिसार है, इसके खिलाफ का मतलब लियुबका यजीदो के बजाय क्या पढ़ना, लियबकी यजीदा ज़ारिउन पढ़ना, कि ज़ारिउन को लियबकी फेल का फाइल और यजीदा को क्या बनाना, ये खिलाफ है, ये क्या है, और लियुबका यजीदो यह असल है, तो कहते हैं कि वफ़ज़लुहु, और इसकी फजीलत अला खिलाफी इसके खिलाफ पर है, किस वजह से है, तो चंद वजह, बेतकरारिल इस्नादी इजमालन सुम्मा तफसीलन, सबसे पहली बात इस्नाद की तकरार हो रही है यहाँ पे, अगर लियुबका पढ़ेंगे तो इस्नाद की क्या हो रही है, तकरार कैसे हो रही है, कि कहा लियुबका यजीदू यजीद पर रोया जाए, पूछा मैं यब की कौन रोए, तो कहा यब की, तकरार है कि नहीं, तकरार है कि रोने वाले की तरफ रोने की नस्बत दो बार की जाती है, युबका के जरिए और एक यबकी के जरिए, यानी एक बार इजमाली तौर पर और एक बार कैसे तफसीली तौर पर, के तफसीली तौर पर कौन कौन रोए, दारिउन लिखुसूमतिन वो रोए, व मुख्तबितुम मिम्मा तुतीहु तवाइहु वो भी रोए, है ना, तो इस्नाद की तकरार पाई जा रही है इजमाली तौर पर, सुम्मा तफसीलन फिर कैसे, एक ये वजह है फजीलत की, दूसरी वजह व बिवकू नहवी यजीदु गैरा फजलतिन,
और यजीदो इस सूरत में देखिए लियुब का यजीदो अगर हम पढ़ रहे हैं इस सूरत में यजीदो क्या वाक़ हो रहा है नाइबे फाइल क्या वाक़ हो रहा है नाइबे फाइल वाक़ हो रहा है और लियब की पढ़ देंगे तो फुजला वाक़ हो जाएगा। तो इस सूरत में यजीद जो ममदूह साहब है कौन है वो फुजला वाक़ नहीं हो रहा और लियब के यजीदा पढ़ देंगे तो क्या वाक़ हो जाएगा तो वह बेवकू नहवे यजीद गैर फजलतिन और यजीद जैसे लफ्ज़ को गैर फजला वाक़ होने की वजह से नहीं अगर ये पढ़ेंगे तो यजीद गैर फजला वाक़ रहेगा और इसके खिलाफ पढ़ देंगे तो यजीद क्या हो जाएगा इसलिए इसको फजीलत हासिल है। दो वजह हो गई तीसरी वजह वह बेकौन मारिफतिल फ़ाइली का हसूल नियमतिन गैर मुतरक्बतिन और फ़ाइल की पहचान के होने के सबब उस नियमत के हसूल की तरह जो नियमत क्या हो गैर मुतरक्बा हो। क्या मतलब नाइबे फाइल में फाइल को क्या कर दिया जाता है हजब कर दिया जाता है फेले मजहूल में फाइल को क्या कर दिया जाता है हजब कर दिया जाता है। फिर बाद में अगर उसका फाइल क्या कर दिया जाए जिक्र कर दिया जाए तो जो चीज़ मिलने वाली नहीं थी अचानक मिल जाए जो चीज़ मिलने वाली नहीं थी कह दिया कि आज भैया आप लोगों को अपना अपना खाना आज खाना नहीं बनने वाला ना उम्मीद होकर के जाने लगे कि चलो आज 50 रुपये खर्चा कर लेते फिर कहा कि अरे खुश हो जाओ बिरयानी आ गई है कि नहीं। जिस चीज़ के ना मिलने की उम्मीद हो और अचानक वो चीज़ क्या हो जाए मिल जाए तो उसको कहा जाता है नेमत गैर मुतरक्बा का मुतरक्बा का हुसूल गैर मुतरक्ब यानी जिसकी उम्मीद नहीं थी उस नेमत का क्या हो जाना मिल जाना। तो जब कहा लियुब का यजीदू तो उम्मीद हो गई कि अब कोई फाइल वाइल यहाँ मौजूद नहीं है बस रोया जा रहा है कौन रोए पता नहीं तो आगे कह दिया ज़ारिउन कौन रोए ज़ारे रोए परेशान आदमी रोए यहाँ फाइल के जिक्र की उम्मीद ख़त्म होने के बाद फाइल को क्या कर दिया गया ये हुआ बेको ने मारी फतिल फाइली फाइल की पहचान होने की वजह से कि इस सूरत में फाइल के का क्या हो जा रहा है जिक्र हो जा रहा है यानी पहले मजहूल जब जिक्र किया तो लगा कि अब फाइल का जिक्र नहीं होगा लेकिन आगे ज़ारिउन कह दिया तो फाइल का जिक्र हो गया जी। का हुसूल नेमतिन गैर मुतरक्बतिन यहाँ पे फाइल की मार्फत कैसे हासिल हो रही है ये तीन बड़ी बड़ी खूबियों की वजह से लियबकी के बजाय लियुबका पढ़ना बेहतर है समझिए बात को आगे चलिए लियाना अव्वल कलाम गैर मुतमईन फी जिक्र ही नेमत गैर मुतरक्बा कैसे हासिल हुआ इसलिए कि अव्वल कलाम में फ़ाइल के जिक्र की उम्मीद नहीं की जा रही थी कि लियुबका पढ़ दिया था हमने मजहूल पढ़ दिया था तो हमने तय कर लिया था कि फाइल को जिक्र नहीं किया जाएगा लेकिन फिर जिक्र कर दिया गया हो गई बात खत्म। अम्मा ज़िक्रहु हस्फ़े मुस्नद के जिक्र हस्फ़े मुस्नद का बयान मुकम्मल करने के बाद जिक्र मुस्नद की बात हो रही है मुस्नद इलैह को जैसे जिक्र करने की कई वजूहात पीछे बयान की गई जी तबर्रुक हासिल करना तो वजाहत और ये वो कई असबाब है पीछे ना है कुछ वजूहात बयान कीजिए लज्जत वो तो है ही और तहकीर या ताज़ीम या इहानत है ना इस बहुत सारी वजह तो यही वजह जो है किसी का कोई रिश्तेदार जो है वो मिसाल के तौर पर जो ऐसा काम कर रहा है जिसको छुपाना चाहता है क्या करना चाहता है तो उसको जिक्र करेगा उसके काम को जिक्र नहीं करेगा किस लिए क्या वो मज़ा नहीं आएगा उसको इस तरह होता है मामला या बहुत बड़ा काम करता है और उसको जिक्र करने से उसके काम को जिक्र करने से जो है उस पर ख़तरा मंडला सकता है तो भी जिक्र नहीं करेगा इस तरह जिक्र ना करने के मुस्नद को जिक्र ना करने के वही असबाब है जो असबाब कहाँ जिक्र इसके अलावा उन असबाब के अलावा कुछ और जायद असबाब हैं उन असबाब के अलावा कुछ और जायद असबाब है जो यहाँ पे बयान किए गए कहते हैं अम्मा जिक्र हु फलेमा मर्रा और लेकिन उसको जिक्र करना तो उन्हीं वजूहात की वजह से जो पीछे गुजरी वो है ही प्लस औ अयना अयना कौन इसमन औ फ़ैलन या इसलिए जिक्र किया जाता है मुस्नद को ताकि तायीन हो जाए कि वो इस्म है या मुस्नद इलैह के बारे में तो तय है कि वो सिर्फ क्या होगा और मुस्नद चूके इस्म फेल अब किसी ने कहा ज़ैदुन तो आगे कामा बोलने वाला था कि कायमुन तो जिक्र कर देता है ताकि सामने वाला कंफ्यूजन का शिकार ना हो कि इस्म है कि फेल है इसलिए उसको क्या कर दिया जाता है जिक्र कर दिया जाता है तो तय करने के लिए मुतय्यन करने के लिए कि मुस्नद इस्म है या
इसलिए जिक्र करते हैं। वह अम्मा इफरादहू मुस्नद चूँकि मुफरद भी हो सकता है ज़ैदुन क़ाइमुन और जुमला भी हो सकता है ज़ैदुन यकूम, बराबर है कि नहीं जी। तो अम्मा इफरादहू, अब मुस्नद अगर मुफरद हो तो मुस्नद को मुफरद कब लाया जाता है, फलेकौनिहि गैरा सबबी गिन मा अदमी इफादती तकब्बिल हुक्मी, तो इस वजह से मुफरद को मुस्नद मुफरद लाया जाता है मुस्नद को कि उसके गैर सबबी होने की वजह से और हुक्म के इफादा ना करने, हुक्म के तकवियत का इफादा ना करने की वजह से, हुक्म की तकवियत यानी हुक्म में ताकीद और तकवियत मजबूती पैदा करना हो, हुक्म में क्या पैदा करना हो मजबूती पैदा, उस वक्त जो है हुक्म मुस्नद को बतौर जुमला लाते हैं। कैसे लाते हैं? बतौर जुमला लाते हैं। क्योंकि ज़ैदुन क़ामा और ज़ैदुन क़ाइमुन में फ़र्क है ना जी। ज़ैदुन क़ामा में क़ामा की इसनाद ज़ैद की तरफ दो बार हो रही है, कैसे कैसे हो रही जनाब? हुआ ज़मीर निकाल के, हाँ ज़ैदुन मुब्तदा क़ामा फेल हुआ ज़मीर फ़ाइल, फेल फ़ाइल हुआ से मुराद कौन, वही ज़ैद, फिर फेल फ़ाइल मंजुमला फ़िलिया खबर अगर वापस खबर किसकी खबर और खबर मुस्नद होती है तो दो बार मुस्नद है क़ामा, लेकिन ज़ैदुन क़ाइमुन में एक ही बार इसनाद है, तो इस्म में तकव्वीय हुक्म नहीं होता और जुमले में क्या होता है, तो इस्म यानी मुफरद खबर लाने की एक वजह यह भी होती है कि तकव्वीय हुक्म का इफादा नहीं करता और वो मुस्नद गैर सबबी होता है, क्या होता है गैर सबबी होता है। गैर सबबी का मतलब ये होता है कि उस मुस्नद इलैह में पाए जाने वाले माना पर दलालत कर रहा है, मुस्नद इलैह के अलावा में पाए जाने वाले माना पर दलालत नहीं कर रहा है। जैसे सिफत सबबी और हकीकी पढ़े होंगे ना जी, सबबी का मतलब वो सिफत मौसूफ में पाए जाने वाले माना पर दलालत ना करे बल्कि उसके मुतअल्लिक में पाए जाने वाले माना पर क्या कर सके। ज़ैदुन आलिमुन अबूहू, ज़ैदुन आलिमुन अबूहू, बात समझ में आ रही है, ज़ैदुन आलिम अबू, तो यहाँ पे आलिम ज़ैद नहीं है बल्कि उसका बाप आलिम है, बात समझ में आ रही है, इसको सिफत सबबी कहते हैं। हाँ तो वल मुराद बिस सबबी ये नहव ज़ैदुन अबूहु मुंतलिकुन, और यहाँ मुस्नद सबबी से मुराद क्या है, ज़ैदुन अबूहु मुंतलिकुन, जैसी मिसाल है कि मुंतलिकुन जो है ज़ैद के सिफत इंतलाक पर दलालत नहीं कर रहा है बल्कि ज़ैद के मुतालिक वालिद के लिए सिफत इंतलाक पर क्या कर रहा है, ये माना नहीं होगा कि ज़ैद चलने वाला है बल्कि क्या माना होगा, ये सबबी है, ये क्या है, सबबी है। तो मुफरद लाया जाता है ताकि इस बात पर दलालत हो सके कि यह सिफत सबबी नहीं है बल्कि गैर सबबी है, जैसे अबू हटाकर क्या बोलो आप, मुंतलिकुन, तो ये मुफरद इसलिए लाया गया मुंतलिकुन को मुस्नद मुस्नद को ताकि सिफत इंतलाक डायरेक्ट किसके लिए साबित हो, इसलिए मुफरद लाया जाए। वह अम्मा कौनहु फेलन, अच्छा अगर मुस्नद फेल लाया जाए, मुस्नद क्या लाया जाए, फेल लाया जाए, तो फले तकईदी बि अहदिल अज़मति सलासति अला अक्सरी वजहिन मा इफादति तजद्दुद, तो दो फ़ायदा होता है मुस्नद को फेल लाने में, कितने फ़ायदे, पहला फ़ायदा ये होता है के ज़माने पर दलालत करता है और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इख्तिसार के साथ दलालत करता है, कैसे दलालत करता है, गुजरे हुए ज़माने में ज़ैद के खड़े होने की बात अगर मैं इस मियाँ से करूँ तो मैं बोलूँगा ज़ैदुन क़ाइमुन फ़िस ज़मानिल माज़ी, क्या बोलूँ, तो फ़िस ज़मानिल माज़ी इतना लंबा ना लगा, मैंने कहा ज़ैदुन क़ामा, क्या बोल दिया, माना उसका यही हो जाएगा कि ज़ैद का खड़ा होना किस ज़माने में है, तो क़ामा ने क्या किया, इख्तिसार ज़माने पर भी दलालत किया साथ ही साथ इख्तिसार भी किया, और कभी जब मुजारे का सेगा हो तो उसमें तजद्दुद का माना भी पैदा हो जाता है, किसका माना, तजद्दुद यानी नए, कंटिन्यू कंटिन्यू लगातार का माना, किसका माना, इया का नाबुदू, क्या माना करते हो, करते हैं इस बात क्या, एक बार कर लेते बैठ जाते हैं, करते रहते हैं हम तेरी इबादत करते रहते हैं, तजद्दुद और इस्तिमरार पर क्या कर रहा है, तो फेल को लाने की एक वजह यह होती है कि जमाने पर दलालत करने में मुख्तसर भी होता है और साथ ही साथ उसमें क्या होता है, तजद्दुद होता है। कहते अम्मा कौनहु फेलन, लेकिन मुस्नद का फेल होना फले तकीदी बे अहदिल अज़मत सलासा, वो तीनों ज़मानों में किसी एक से मुकय्यद करने के लिए, अला अक्सर वजहिन, कैसे, मुख्तसर तरीके पर, मुख्तसर तरीके पर, मा इफादति तजद्दुद, तजद्दुद के इफादा हासिल करने के साथ, फ़ायदा हासिल करने के साथ, का कौल ही, जैसे शायर का ये शेर है,
نیچے شاعر کا نام وام بھی دیا ہوا ہے، اتنی تفصیل مختصر المعانی دیکھ لیجیے گا، شاعر کا نام، پیدائش، یہ وہ سارے معاملات. او اب کلّما وردت اکاذا قبیلۃ باسو الیہ عریفہم یتوسمو. یہاں پہ جو ہے یتوسمو سے استشهاد ہے، کس سے؟ عریفہم جو ہے مسند الیہ ہے، اور یتوسمو کیا ہے؟ مسند ہے. او کلّما اور کیا، ابا اصل میں کیا تھا؟ و ا کیا تھا؟ حمزہ استفہام صدارت کلام کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے و ا کو کیا کر دیا؟ اوا اوا او نہیں ہے یہ، ٹھیک ہے؟ وا کا معنی اور آ کا معنی کیا؟ اوا کلما تو کیا، جب جب وردت اکاز قبیلۃ، اکاز نامی بازار پر کوئی قبیلہ وارد ہو. اکاز جو ہے ایک بازار کا نام ہے، قبیلہ قبیلہ. اوکازا مفعول فی بنے گا، کیا بنے گا؟ کس کا؟ وردت فعل کا. باسو اس میں ہم ضمیر کا مرجع قبیلہ ہے، ہم ضمیر کا مرجع قبیلہ. عریف ہم میں بھی ہم ضمیر کا مرجع قبیلہ، اور عریف کہتے ہیں جو لوگوں کے کو تاڑ لیتا ہے. کیا کر لیتا ہے؟ یہ کیسا آدمی ہے، زیادہ کنجوس تو نہیں ہے؟ جیسے نہیں کہ پولیس والے کو بھیجا جاتا ہے، یار وہ پاسپورٹ بن رہا ہے فلان، میں تھوڑا جا کے چیک کرو تو انکوائری کرتا نا، اس شخص کو کیا کہا جاتا ہے عربی میں؟ عریف. یعنی کسی کی حقیقت کی معرفت کرنے والا، پہچان کرنے والا. معرفت سے عرفان سے بنائیے، ٹھیک ہے؟ تو ایسے لوگ چنے جاتے تھے جو لوگوں کے معاملات کو چیک کرتے تھے، مفتش صاحب جس کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مفتش. عریف کا معنی تفتیش کرنے والا، چہرہ شناس. یتوسمو الوس وسم وسم سے بنا، جس کا مانا تھا مسکراہٹ. کیا مانا تھا؟ یتوسمو عریفہم معاف کیجیے، وسم سے بنا وہاں پہچان. وسم کا مانا کیا ہوتا ہے؟ علامت پہچان. اسم کو وسم کہتے ہیں، علامت کی وجہ سے. یتوسمو جو پہچانے، جو کیا کرے؟ پہلے ترجمہ دیکھیں پھر مفہوم بتا دو کیا بولنا چاہ رہے ہیں. یہاں پہ ترجمہ کراؤں گا آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. کہتے ہیں کہ کیا جب جب کبھی کوئی قبیلہ اوکاز نامی بازار پر آئے گا، جب 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 آئے گا نہیں آیا، جب جب کوئی قبیلہ اوکاز نامی بازار پر آتا ہے، میری طرف ایک ایسے شخص کو بھیجتا ہے جو پہچان کر سکے. جو کیا کر سکے؟ پہچان کر سکے. اب اس میں اتنی تفصیل ہے. ایک قبیلہ بازار لگتا تھا جس کا نام تھا اوکاز، وہ دو شہروں کے بیچ میں ایک تھا، نیچے دیا گیا ہوگا کہ یہ شہر اور یہ شہر کے بیچ میں ایک بازار تھا، بین نخلا و طائف، نخلا اور طائف کے درمیان ایک بازار لگتا تھا، جس بازار کو کیا بولتے تھے؟ اوکاز بولتے تھے. اچھا یہ بازار جو ایسے مہینے میں لگتا تھا جب عربی لوگ ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا کرنے کو حرام قرار لیتے تھے، اپنے اوپر کیا کر لیتے تھے؟ حرمت اربات اشہور ہے نا، چار مہینے قرآن پاک میں جس میں لڑائی وغیرہ کیا ہے؟ حرام ہے. اس میں سے ایک مہینہ، وہ ایک خاص مہینے میں جس میں لڑائی حرام ہوتی تھی، قبیلہ اوکاز میں بازار لگتا تھا. تو وہاں جب کوئی قبیلہ اترتا تھا تو وہاں عام طور پر یہ تھا کہ سب منہ چھپا کے رکھتے تھے، صرف وہ بڑا والا جو ہے نا سونے سب وہ رکھتے تھے، یا امامہ باندھتے تھے عربی لوگ، تو اس کو یوں کر لیتے تھے تاکہ ایک دشمن دوسرے دشمن کو نہیں تو وہیں پہ نپٹانا چالو کر دینا، ہے نا، لڑائی سے بچنا چکے رہتا تھا نا، تو دیکھ کر ایک دوسرے کو غصہ نہ آ جائے. بڑے خطرناک دشمن ہوتے تھے نا یہ لوگ، ٹھیک ہے؟ اب وہ ایک ماحول کے ساتھ سے بہت زبردست شعر ہے، لیکن اب ہم لوگ اس ماحول کو سمجھنے سے قاصر ہیں. تو وہ سب لوگ عام طور پر کیسے رہتے تھے؟ چہرہ ڈھک کر کے. لیکن یہ شاعر کہتا ہے کہ اوکاز بازار میں جب بھی کوئی قبیلہ آتا ہے نا، اور کیا جب کوئی قبیلہ اوکاز بازار میں آئے تو وہ اپنے کسی عریف کو میرے پاس بھیجتا ہے تاکہ مجھے غور سے دیکھ کر کیا کر سکے. تو یہ جو شاعر تھا یہ اتنا بہادر تھا کہ یہ چہرہ کھول کے رکھتا تھا، چہرہ تو جس کا چہرہ کھلا رہتا تھا وہ پہچانتے تھے کہ کہیں میرا دشمن تو نہیں ہے، میرے باپ کا دشمن تو نہیں ہے، میرے دادا کا دشمن تو نہیں ہے. سمجھ بات آئی؟ چہرہ پہچان میں آ گیا تو اس کو تاڑ لیتے تھے کہ اچھا یہ بیٹا میرا دشمن ملا ہے میرے کو. تو اس میں ایک لفظ جو ہے عریف ہوں یا توسمو، اس میں کنٹینیو ہے، تجدد ہے کہ اوکاز نامی بازار میں جب کوئی قبیلہ آتا ہے، جب بھی کوئی قبیلہ آتا ہے تو قبیلے کے لوگ میرے پاس ایک عریف کو بھیجتا ہے تاکہ وہ مجھے دیکھ کر کیا کر سکے؟ پہچان. وہ پہچاننے کی کوشش کرتا ہے. تو اس میں یتوسمو میں ایک تو یہ ہے کہ زمانے حال پر دلالت کر رہا ہے،
और ज़माने हाल के साथ साथ इस्तिमरार पर भी क्या कर रहा है, यानी ये हर बार होता है। क्या होता है ये? जब जब बाजार लगता है तब तब ऐसा होता है। अच्छा, अम्मा कौन हूँ इस्मन, मुस्नद का क्या होना? इस्म होना। इस्म क्यों लाया जाता मुस्नद को? फले इफादती अदमी हिमा, उन दोनों फ़ायदे के ना होने की वजह से। हाँ, ज़माने पर इख्तिसार के साथ भी दलालत नहीं करना मकसूद होता है और तजद्दुद भी मकसूद। कोई ज़माना बताना मकसूद और तजद्दुद बताना, कंटिन्यूस बताना मकसूद नहीं होता है। कौल ही, जैसे एक शायर का शेर है, ला या अलिफुद दिरहमुल मदरूब सुरतना, सुरतना है क्या? ठीक है, सुर दोनों बोल सकते हैं। ला या अलिफुद दिरहमुल मदरूब सुर तुना या ला या अलिफुद दिरहमुल मदरूब सुरतना लाकिन यमुर्रु अलैहा व हुवा मुंतलिक। ये मुंतलिक महले इस्तिशहाद है, यानी यहाँ बहस किससे की जा रही है? मुंतलिक से। पहले लफ्जी माना देखिए, माना ये होगा कि अलफा या अलिफो उल्फत, क्या माना होगा? अलफा या अलिफो का माना क्या होगा बोलिए? उल्फत करना, मोहब्बत करना। ला या अलिफुद दिरहमुल मजरूब, ढाला हुआ सोने का सिक्का मोहब्बत नहीं करता है। सुर्रतना, हमारी थैली से। किससे? यानी मोहब्बत करता तो कभी मेरी थैली से जुदा नहीं होता, लेकिन जब जैसी आया वैसी क्या हो जाता है, वो थैली से गायब हो जाता है। तो हमारी थैली से ढाला हुआ सोने का सिक्का मोहब्बत लाकी यमुर वाले, लेकिन उसके पास से गुजर जाता है। बस क्या करता है वह मुंतलिक, इस हाल में कि वहाँ से वो चलने वाला होता है। आया के गया, आया के गया, गया। तो यहाँ पे हुआ मुंतलिक में सिर्फ सिफत इंतलाक को बताना मकसूद है, तजद्दुद को बताना मकसूद, और ये बात किसी ज़माने से ख़ास करना मकसूद। मुराद ये कि जब ऐसा होता है तब वो चला जाता है और कंटिन्यू नहीं होता। एक बार आया तो एक बार चला गया, उसमें तजद्दुद वगैरह कुछ नहीं होता। बात समझ में आ गई? वह अम्मा तक़ीयुदुल फ़ेली बिमफ़ूलिन, इसको इंशाअल्लाह हम कल पढ़ते हैं। सल्लु